हुए हैं। इसी चौकी से होकर बिहार में छोटे से लेकर बड़े वाहन तक आते जाते हैं। कोरोना के संक्रमण को देखते हुए बॉर्डर सील है और सिर्फ खाने पीने वाले जरूरी सामान लदे वाहनों के आने जाने की अनुमति दे दी गई है। पिछले दिनों बिहार जा रही एक गाड़ी के चालक ने उससे रुपए वसूलने का आरोप लगाया था, जिससे तत्काल बाद एसपी ने मामले को गंभीरता से लेते हुए सलेमपुर के सीओ वरुण मिश्र को जांच सौंपी, जिसके बाद बुधवार को सीओ वरुण मिश्र लार के थानेदार गिरजेश तिवारी के साथ चौकी पर पहुंचे। उन्होंने पीआईजी के जवान कोमल प्रसाद और सुनील निगम के अलावा कांस्टेबल सोनू भारती को वसूली करते हुए पाया। सीओ ने मौके का वीडियो रिकॉर्डिंग करते हुए पूरी रिपोर्ट एसपी को सौंपी, जिसके बाद सीओ वरुण मिश्र की रिपोर्ट पर एसपी ने कार्रवाई की है। मामले में पुलिस अधीक्षक ने बताया कि अवैध वसूली के आरोप में मेहरोना पुलिस चौकी के प्रभारी समेत 8 पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया गया है। लाल क्षेत्र अंतर्गत बिहार बॉर्डर पर स्थित चौकी मेहरोना के संबंध में ये सूचना प्राप्त हुई थी कि वहाँ पुलिस कर्मियों द्वारा प्राइवेट व्यक्तियों के माध्यम से और पीआईडी के जवानों के माध्यम से अवैध वसूली की जाती है। इस संबंध में क्षेत्राधिकारी सलेमपुर को छद्मवेश में ट्रक में बैठा कर भेजा गया रात में। तो इसी के साथ उत्तर प्रदेश के बुलेटिन में देख इतना ही। आगे देखिए आज का मुद्दा।